गच्छामि। प्रेयर को गाते हो? आप इसे प्रेयर कहते हो और हम इसे चालीसा कहते हैं, हनुमान चालीसा। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो किया था, उन्होंने अर्जुन को उसके वर्तमान स्तर से बहुत ऊपर उठा दिया था। दिस पाखंडी बाबा इज वेरी क्लेवर। देयर सीम्स फादर मार्टिन से सारी बात सुनकर उपरगांव के कलेक्टर विलियम को साईं बाबा पर संदेह होने लगा। मुझसे क्या प्रमाण पूछते हैं साहब बहादुर, आप ताना जी से पूछिए। राम जी भला करेंगे। बाबा, तेरा भाग्य बहुत तेज है अहिल्या, पर देवा ने हमसे भिक्षा ही नहीं ली। कुछ काम याद आ गया होगा, सारी दुनिया की फिक्र रहती है उन्हें। ये भिक्षा संभाल कर रख लेना, ये बाबा की निमित्त हो गई है। आज नहीं तो कल इसी भिक्षा को मांगने आएंगे वो। Please sit down. Constable, जब तुम उस मस्जिद में गया तो तुमने वहां क्या देखा? जनाब, दरोगा साहब का हुक्म पाकर जब हम मस्जिद के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। वहां एक घंटा लटका हुआ था और वो अपने आप बजने लगा सर। साहब बहादुर, जनाब, दरोगा साहब ने हमारी बातों पे यकीन नहीं किया और मस्जिद के अंदर खुद तलाशी लेने चले गए। तभी फकीर ने भारी आवाज में कहा, अपनों पर विश्वास ना करने के कारण ही तुम परायों की जी हजूरी कर रहे हो ताना जी। बस इस आवाज को सुन के जनाब सब कुछ भूल कर उस फकीर के चरणों में लौटने लगे। उस वक्त वो फकीर कैसा दिखता था? जैसा पहले दिख रहा था। हमें तो ताजुब हो रहा था, जनाब को क्या हो गया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो फकीर के पैर पकड़कर हनुमान चालीसा क्यों गा रहे हैं। वशीकरण। ठीक है तुम लोग जा सकता है। फिलिप, जितना हम उस फकीर बाबा को समझ रहा है उससे भी ज्यादा खतरा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए है। वो गांव वालों का विश्वास जीत चुका है और गलती से भी हमने उस पर कोई एक्शन लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। But how will we catch his mistake? नहीं नहीं, हम नहीं पकड़ेगा, भूरे लाल will catch. भूरे लाल? That detective? Yes. Mr. Philip, भूरे लाल बहुत भावुक आदमी है, बहुत सारा लैंग्वेज जानता है। उसने हमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, याद है तुमको? पेशवाओं के खिलाफ हमने उसका किस कदर कितना अच्छा इस्तेमाल किया। यस, याद है कैसे उसने पेशवाओं की पोल पट्टी खोल कर रख दिया था। That's why we were successful in ending the Rajshah. इस वक्त भूरेलाल अपने घर नासिक में है। जितना जल्दी हो सके उसे हमारे सामने हाजिर करो। Yes, Your Highness. अब तो
हम तुम्हारा खेल खत्म करेगा साईं बाबा, हम खेल खत्म करेगा। भूरेलाल, हमको तुम्हारा काबिलियत पर कोई शक नहीं है। डोंट वरी साहेब बहादुर, आपने इस नाचीज को साईं बाबा की कुंडली लिखने का भार सौंपा है, तो समझ लीजिए साईं बाबा का खेल खत्म। पर अभी तक तुम्हारा सामना हिंदुस्तान के मूर्ख राजाओं, नवाबों और पेशवाओं से हुआ है, उस फकीर से नहीं जो जादूगरी, वशीकरण और तंत्र मंत्र भी जानता है। साहेब बहादुर, आपको अपने इस गुलाम पर विश्वास है ना? यकीनन हमको तुम पर विश्वास है, इसीलिए तो हमने तुमको इधर बुलाया है। पर ध्यान रहे, वो जरा सा भी गलती करेगा तो फौरन उसका खेल खत्म कर दो। समझ लीजिए कि साईं बाबा का ही हम लोग से बुलावा आ ही गया। भोरेलाल, इस काम के लिए तुम्हारा मदद हमारा शिरडी का पुलिस पाटिल कुलकर्णी करेगा। क्यों खींचा साईं? फैजा माई, तुम मेरी ताई जैसी हो और मैं तुम्हें माँ के समान आदर देता हूँ। तुम मेरे पैर दबाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो नई नई रीत चला रहे हो साईं। इसमें नई रीत कौन सी है माई? नई रीत ही तो है, मेरा तात्या जब दिन भर खेल कूद करके बाड़े वापस आता था, मैं उसके पैर दबाती थी। वो तो कभी नहीं बोला कि तुम मेरी आई हो, तुम मेरे पैर मत दबाओ। मैं तुम्हारे और तात्या में कोई अंतर नहीं रखती साईं। तुम धन्य हो माई, धन्य हो। तुम्हारी जैसी स्त्रियों के कारण ही भगवान भी माँ की ममता को समझ नहीं पाता। अपने बड़प्पन का एहसास ही मनुष्य को अपनों से दूर कर देता है। छोटा बनकर जी लेने में कितना सुख है। एक बार एक प्रचंड तूफान से साथ बहती हवाओं ने पूछा, ऐ तूफान, तू किस मिट्टी का बना है रे, जो बड़े बड़े पेड़ों को तो पल भर में धाराशाही कर देता है पर नन्हे नन्हे पौधों का कुछ भी नहीं बिगाड़ता, ऐसा क्यों? तो उस बड़े से तूफान ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे साथ बहती हवाओं, वो नन्हे नन्हे पेड़ झुकना जानते, वो मेरे प्रचंड प्रवाह के सामने झुक जाते, पर बड़े बड़े पेड़ अपने बड़प्पन की अकड़ के कारण मेरे सामने खड़े रहकर मुझे चुनौती देते और धराशाही हो जाते हैं। सच है, विनम्रता का जीवन जी लेने में जो आनंद है, वो अकड़ का जीवन जीने में नहीं। बहुत सुंदर और जीवन में अपनाने योग्य विचार है साईं। पापा, आज देवीदास नहीं दिखाई दे रहा है। अरे गया होगा कहीं किसी काम से, लेकिन तुम्हें पूछना तो भगत महालसापति जी के लिए चाहिए था। अरे भाई कहाँ हैं भगत जी आज? देवा, खंडोबा की संध्या आरती के बाद उन्होंने द्वारका माई आने को कहा था, शायद आ ही रहे होंगे।
भगत जी मुझ पर दया करो, मुझे साईं बाबा के दर्शन करवा दो। मैं दर्शन करवाने वाला कौन होता हूँ? देवा का दरबार हर के लिए खुला है। द्वारका माई जात पात ऊंच नीच धर्म मजहब इन सब से ऊपर उठते हुए हर आने वाले का स्वागत करती है। चला मेरे साथ चलकर शिरडी के नाथ साईं बाबा का दर्शन कर लो। चल। पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम शिरडी के तो नहीं लगते। तो मैं शिरडी का नहीं हूंगा तो क्या बाबा मुझे दर्शन नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे, देवा कभी किसी से कोई भेद नहीं करते। चला फिर भी तुम्हारा कोई परिचय तो होगा। मुझ जैसे अदना से इंसान का क्या परिचय? मैं तो नासिक से बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी चला है, एक बार बाबा के चरणों की रज मस्तक पे लगा लो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर भी कुछ तो नाम होगा तुम्हारा। हाँ, आई और बाबा ने सुकेश रखा था, पर जानने वाले मुझे पनौती कहते हैं। जिसके जीवन में प्रवेश करता हूं उसकी वाट लग जाती है। क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वहां जाने से बाबा के जीवन की वाट लग जाएगी तो मैं लौट जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साईं बाबा जैसे संत के जीवन में अपनी उपस्थिति का ग्रहण लगाऊं। जी लूंगा, धिक्कार और अपमान का जीवन जी लूंगा जिसे अब तक जीता आया हूं। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, देवा की कृपा से तुम्हारा बाकी का जीवन श्रेष्ठ और सम्मान से लबालब होगा। चलो। छबराओ, मान गया रे इस भूरे लाल को, आज मुझे पक्का विश्वास हो गया रे, ये भूरे लाल इस डोंगी पाखंडी के जीवन में पनौती लाकर उसकी वाट लगाने वाला है। भाऊ, कुलकर्णी भाऊ, एक बात बताओ, ये वाट कैसे लगाई जाती है? बताते तेरे को रे, बताते। ऐसे लगाई जाती है वाट, समझा का? समझ में तो आ गया, पर मैं जिसकी वाट लगाना चाहता हूँ उसकी कभी वाट लगा नहीं पाऊंगा। क्यों? वैसे तुझे किसकी वाट लगानी है? कुलकर्णी भाऊ की, जब देखो तब मुझ पर जोर एडवाइस करते रहते हैं। अरे तेरे तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगा रे, तू याद करेगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अंतर्यामी, आप तो भगवान है, मेरी और भगत मासापति की बातें कैसे सुन ली? तुम तो पहले ही किसी और की शरण में जा चुके, अगर मेरी शरण में आ गए तो उसकी शरण का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं फिरंगी सरकार की खिलाफत में कुलकर्णी भी शामिल हो? राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। अरे मालसा, ये किस बनौती को साथ ले आया?
ये तो जिसके भी जीवन में जाता है उसकी वाट लगा देता है। ये बात तो मैंने पुजारी महासपति से कही थी, फिर ये फकीर कैसे जानता है? धिक्कार और अपमान के जीवन से मुक्ति पाने के लिए शिरडी आया है। ये बात भी मैंने महासपति से कही थी और तब से महासपति तो मेरे साथ ही था, तो फिर और कौन था वहां पर? समझा, तो ये खेल चल रहा है यहाँ। शिरडी का पुलिस पाटिल कुलकर्णी अथवा उसका कोई आदमी साहब बहादुर की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही उसने मेरी और महासपति की सारी बात इस फकीर को बता दी। परिस्थिति को तो संभालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। अंतर्यामी, आप तो भगवान हैं, आपने इतनी दूरी से मेरी और भगत मानसापति की बातें कैसे सुन ली? मुझे उबार दो बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। तुम तो पहले ही किसी और की शरण में जा चुके हो, अगर मेरी शरण में आ गए तो उसकी शरण का क्या होगा? आप सच कह रहे हैं बाबा, मैंने बहुत सारे चरणों की शरण ली लेकिन मुझे कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिला। बड़ी ठोकरें खाकर आज आपकी शरण में आया हूं बाबा। अपनी शरण में ले लो बाबा, अपनी शरण में ले लो और मुझे इस अपमान और धिक्कार की जिंदगी से मुक्ति दिला दो। आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है बाबा, और कोई नहीं है। अपनी शरण में ले लो बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। भूलने की बीमारी तो तुम्हें नहीं है, फिर भी तुम्हें उसकी याद दिलाता जो तुम्हारा आदर भी करता है और तुम्हें सम्मान भी देता है। तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं उसने पूरी भी की, तुम उसके शरणागत। यहां भी उसने तुम्हें एक जरूरी काम सौंप कर भेजा है। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अब दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। ये सारा खेल खुलकर नीने रचा है। एक तरफ वो साहब बहादुर से कोपरगांव जाकर इस फकीर की निंदा करता है और दूसरी तरफ फकीर से मिली भगत करके उसे सब कुछ बता देता है। पर कुलकर्णी ये खेल क्यों खेल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं फिरंगी सरकार की खिलाफत में कुलकर्णी भी शामिल हो? बाबा, कौन पनौती है ये? इस संसार में बहुत से मनुष्य अपने निर्धारित मार्ग से भटके हुए और मेरा मालिक ऐसे भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए मेरे पास भेज देता है। राम जी भला करेंगे।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। बाबा, अनन्य पुण्यों से आज आपके चरणों में शरण मिली है। आपकी आज्ञा हो तो इन चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाना चाहता हूँ। इच्छाएं मनुष्य के वश में नहीं होती, मनुष्य ही इच्छाओं के वश में हो जाता है। इच्छाएं ही मनुष्य को छल कपट, असत्य और अन्याय के मार्ग पर चलने को विवश कर देती है। कुछ टकों के लालच में मनुष्य अपना धर्म भूलकर अधर्म के कुमार्ग पर चल पड़ता है। उसका स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि वो परायों के साथ साथ अपनों पर भी संदेह करने लगता है। इच्छाओं के सामने तो इंद्रियों पर विजय पाने वाला देवताओं का राजा इंद्र भी परास्त होकर देवी अहिल्या के साथ कुकर्म कर बैठा। फिर हमारी और तुम्हारी क्या भी साथ, पर इच्छाओं पर अंकुश लगाना आवश्यक है, नहीं तो सच में अपमान और लज्जा के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी नहीं बचता। इच्छाओं के दमन का सबसे उत्तम उपाय है श्रद्धा और सबूत। बाबा, आप ये सब किस संदर्भ में कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। समझे नहीं अथवा ना समझने का अभिनय कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं, आपके वचन तो बहुत सुंदर है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ दिन शिरडी में रहो, सारे संदर्भ समझ में आ जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ। वैसे ज्यादा दिन मुझे यहाँ रहना भी नहीं पड़ेगा। 72 घंटों के अंदर तेरा खेल खत्म कर दूंगा फकीर। तेरे इन्हीं भक्तों के सामने तुझे बेनकाब ना किया तो मेरा नाम भी पूरे लाल नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तो खुद ही शिरडी में रहना चाहता हूँ। कुलकर्णी के वाड़े में ही रुकोगे अथवा मैं कुछ व्यवस्था करवाऊं? नहीं नहीं बाबा, आप चिंतित ना हो, मैं अपने रहने की व्यवस्था स्वयं कर लूंगा। प्रणाम बाबा। बाबा, कौन पनौती है ये और मनहूस किस तरीके से आपसे बातें कर रहा था? इस संसार में बहुत से मनुष्य अपने निर्धारित मार्ग से भटके हुए और मेरा मालिक ऐसे भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए मेरे पास भेज देता है। अल्लाह मालिक। ये संदेश सिर्फ साहब बहादुर के हाथ में देना। भाऊ, ये भूरे लाल साहब बहादुर तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा ही कोई भाई विभीषण की तरह उस ढोंगी फकीर की मदद कर रहा है। कौन मिला उसके साथ? साहब बहादुर ने मुझे बताया कि फकीर वशीकरण विद्या जानता है, मगर अब चिंता की जरूरत नहीं है। अब मैं उसे अपना जादू दिखाऊंगा। आरती।
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं।